हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूथफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत ही कमाल के होम एंड किचन रिलेटेड टिप्स एंड हैक्स, जो आपके कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान करते हैं। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की पहली टिप है प्याज को लेकर। कई बार ऐसा होता ना कि किसी रेसिपी के लिए हम प्याज कट करते हैं, सैलड वगैरह के लिए प्याज कट करते हैं, तो इसमें से थोड़ा ही प्याज यूज़ होता है, आधा बचा हुआ हम ऐसे ही फ्रिज में कहीं रख देते हैं। तो कटा हुआ ये प्याज अगर फ्रिज में रख दे तो फ्रिज में पूरी स्मेल फैल जाती है और प्याज भी कड़वा हो जाता है। तो ऐसा ना हो, ये प्याज ऐसे ही फ्रेश बना रहे, इसके लिए बचा हुआ जो भी प्याज है इसे आप ऐसे ही फ्रिज में ना रखें। सबसे पहले इस प्याज के ऊपर आप लगाए कोई भी कुकिंग ऑयल, जो डेली कुकिंग में आप इस्तेमाल करते हो, ये कुकिंग ऑयल इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर हमें इसके ऊपर लगानी है। और अब किसी भी बोल में कुछ इस तरीके से उल्टा करके इस प्याज को हमें रखना है। और अब ये प्याज और बोल आप रख दें फ्रिज में, तो आप देखोगे ये प्याज बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा और फ्रिज में भी इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। हमारी नेक्स्ट टिप है बैंगल्स को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि शादी वगैरह में किसी फंक्शन के लिए जब भी हम बैंगल्स का ऐसा सेट बनाकर रखते हैं और बैग में इसे डालते हैं, तो ये पूरा सेट मैसी हो जाता है या फिर किसी दूसरे चीज़ों के साथ ये सारी बैंगल्स मिक्स हो जाती है। एंड टाइम पर हमें ये पूरा सेट मिलता नहीं है, एक एक बैंगल्स हमें काफ़ी देर तक ढूंढनी पड़ती है, काफ़ी टाइम इसमें हमारा चला जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी आप किसी फंक्शन के लिए ऐसा बैंगल का सेट बनाकर रख रहे हो तो इसे ऐसे ही एम्प्टी ना रखें। सबसे पहले एक बड़ी सी पिन आप ले ले और इस पिन में आप इस बैंगल के सेट को इस तरीके से सेट करके रखें। पिन लगाकर रखने से ये बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होंगे और बिल्कुल छोटी सी जगह पर भी ये ऐसे ही सेट ही बने रहेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बैंगल का सेट लेके जाए तो इस तरीके से इसे टाई करके फिर बैग में रखें, तो ये बिल्कुल बिखरेंगे नहीं। हमारी नेक्स्ट टिप है हेयर कॉम्ब्स को लेकर। कई बार हेयर ब्रश, हेयर कॉम्ब्स जब भी हम देखते हैं तो काफ़ी सारा हेयर का ऑयल इस कॉम्ब पर लगा हुआ हमें दिखता है। इससे ये कॉम्ब काफ़ी चिपचिपा हो जाता है और अगर ऐसा ही हेयर कॉम्ब हम यूज़ करें तो इसके ऊपर और भी डैंड्रफ वगैरह जमा होने लगता है, डर्ट वगैरह जमा होने लगती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी आपको थोड़ा बहुत ये हेयर कॉम्ब ऑयली लगे तो तुरंत इस पर आप लगाएं थोड़ा सा टैल्कम पाउडर। जो भी टैल्कम पाउडर हमारे घर में अवेलेबल है तो थोड़ा सा टैल्कम पाउडर इसके ऊपर स्प्रेड करें, फिर किसी कॉटन या फिर किसी सॉफ्ट कपड़े की हेल्प से आप इसे हल्का साफ़ कर दें, तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से इसके ऊपर जो भी ऑयल है, चिपचिपा ये हेयर कॉम्ब अगर हो गया हो तो आसानी से साफ़ हो जाएगा। वैसे तो हेयर कॉम्ब क्लीन करने के लिए हम पानी, शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं और इससे हेयर कॉम्ब क्लीन करते हैं और उस प्रोसेस में काफ़ी टाइम चला जाता है। बाद में ये हेयर कॉम्ब काफ़ी टाइम तक सूखने के लिए भी रखना पड़ता है। तो अगर तुरंत आपको हेयर कॉम्ब क्लीन करना हो तो आप इस प्रोसेस को ज़रूर ट्राई करके देखें, इससे भी ये हेयर कॉम्ब बहुत ही बढ़िया साफ़ हो जाते हैं। हमारे घर में जो डेलिकेट कांच की चीज़ें होती है, जैसे कि आईना हो गया या फिर टीपॉय वगैरह, जो कांच की चीज़ें होती है काफ़ी डेलिकेट होती है, ऐसी चीज़ों को साफ़ करने के लिए हम हमेशा सॉफ्ट कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट ऐसा कोई नैपकिन कपड़ा वगैरह ना हो तो हमारे पास ऐसे मास्क होते हैं जो काफ़ी सॉफ़्ट होते हैं, जो हम एक दो बार यूज़ करके फेंकते हैं, तो ऐसे ही मास्क का भी आप इस कांच की चीज़ों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपने देखा होगा काफ़ी सॉफ्ट ये मास्क होते हैं, तो इन मास्क के ऊपर हम थोड़ा सा टैल्कम पाउडर स्प्रे करेंगे और टैल्कम पाउडर और इस मास्क की हेल्प से आप अगर कांच की चीज़ों को साफ़ करेंगे तो आप देखेंगे बिना झंझट बहुत ही आसानी से इसके ऊपर कितने भी चिपचिपे दाग धब्बे क्यों ना हो, बहुत ही फटाफट ये साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर हमने टैल्कम पाउडर और मास्क का इस्तेमाल किया है। टैल्कम पाउडर के इस्तेमाल से काफ़ी छोटे छोटे जो चिपचिपे दाग होते हैं मिरर या फिर ग्लास के ऊपर, वो आसानी से निकलने में मदद होती है। और ये मास्क है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है, इससे इन ग्लासेस और इस ग्लास की चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैचेस भी नहीं आते। तो इस मास्क को एक बार यूज़ करने के बाद फेंकने से पहले इसका ऐसा इस्तेमाल भी आप एक बार ज़रूर करके देखें।
हमारी नेक्स्ट टिप है लहसुन छीलने को लेकर। जब भी हम लहसुन छीलते हैं तो नाखूनों से कई बार इसने लहसुन को छीलते हैं, तो लहसुन छीलने के बाद हमारे जो नाखून है या फिर जो फिंगर टिप है ये काफ़ी दर्द करने लगते हैं और ये दर्द काफ़ी लंबे समय तक ऐसा ही रहता है। तो इसी के कारण अगर आपको लहसुन छीलना काफ़ी परेशानी का काम अगर लगता है तो आज के बाद ये काम आपको बिल्कुल भी परेशानी का नहीं लगेगा, क्योंकि लहसुन छीलने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कोई भी पानी की बॉटल की ये लिड। जी हाँ, पानी के बॉटल का जो ढक्कन होता है इससे आप बहुत ही आसानी से लहसुन को छील सकते हो। तो लहसुन की एक कली हमें लेनी है और इसका जो पार्ट होता है जो हम नेल्स से छीलते हैं वही पार्ट हमें इसी ढक्कन से छीलना है। तो आप देखोगे हमें बिल्कुल भी कहीं नाखून लगाना नहीं पड़ेगा, ढक्कन से बहुत ही आसानी से ये लहसुन छीलता जाएगा। जब भी हम घर बंद करके कहीं कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो काफ़ी दिनों से हमारा घर बंद होने के कारण जब भी हम घर की लॉक को खोलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा हमारे घर में से एक बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है। स्पेशली बाथरूम्स या फिर टॉयलेट्स में ये स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है जो जल्दी निकलती नहीं है। तो इस स्मेल को दूर करने के लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया उपाय। इसके लिए हमें चाहिए माचिस और इस माचिस में से 4 से 5 तीलियां हमें कुछ इस तरीके से बाथरूम में जलानी है। जलाते वक्त इस माचिस की तीली को हमें पूरे बाथरूम में कुछ इस तरीके से घुमाना है। 4 से 5 तीलियां जलाने के बाद तुरंत आप बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर ले। 2 से 3 मिनट के लिए इस दरवाजे को बंद ही रखें। 5 मिनट के बाद जब आप दरवाजे को खोलोगे तो आप देखोगे बाथरूम में जो भी बैड स्मेल आती थी वो गायब हो चुकी होगी। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, 100% ट्राई एंड टेस्टेड है। तो आप इस ट्रिक को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और ये ट्रिक आपके लिए कितनी यूज़फुल रही हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। तो इसमें से कौन सी टिप आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।